ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने के लिए और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए गुरुग्राम की स्मार्ट पुलिस ने स्मार्ट प्लान तैयार किया है। अब कोई भी व्यक्ति रेड लाइट जंप करेगा तो उसका चलान तुरंत कट जाएगा। चलान कोई पुलिसकर्मी नहीं बल्कि रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी कैमरे खुद काटेंगे। रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी कैमरे ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने वाली गाड़ी के नंबर को स्कैन करेंगे जिससे चलान हो जाएगा। उसके बाद उस चलान को डाक के माध्यम से व्यक्ति के घर के पते पर भेज दिया जाएगा। इस व्यवस्था को फिलहाल ट्रायल के तौर पर सोमवार से उन क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा जहां सीसीटीवी कैमरे चालू हैं। इसके लिए पुलिस आयुक्तालय में बने सीसीटीवी कैमरों के कमांड एंड कंट्रोल रूम में जेडो तैनात किए जा रहे हैं। ये जेडो प्रत्येक कमरे पर नजर रखेंगे। चलान के साथ वाहन मालिक को रेड लाइट जंप करते हुए फोटो भी भेजी जाएगी। गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस द्वारा पोस्टल जो चालानिंग ब्रांच है वो स्थापित की गई है। उसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो मौके पर जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करके जो मौके से फरार हो जाते हैं ऐसे ओनर्स के खिलाफ ये पोस्टल चालानिंग ब्रांच शुरू की गई है। और ये जो पोस्टल चालानिंग ब्रांच है वो उस ओनर्स की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पता करके और उसके घर पर वो चालान भेजा जाता है। और इसी तरीके से जो सीसीटीवी कैमरा जो सिटी एरिया में लगाए गए हैं उनका जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस कंट्रोल रूम गुड़गांव में ही एक सीसीटीवी कैमरा की जो मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है जिसमें जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं राउंड द क्लॉक वहां पर उन सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से मॉनिटरिंग करते हैं। और जो सिटी एरिया में जो रेड लाइट जंप करते हैं या इसके अलावा एक्सीडेंट करके जो गाड़ियाँ मौके से फरार हो जाती हैं ऐसे ओनर्स का पता लगा सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पता लगाया जाता है। क्योंकि जितने भी सीसीटीवी कैमरा सिटी एरिया में लगाए गए वो एसडी क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं जिनका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर तक वो अच्छी तरह से क्लियर उनमें दिखाई दे जाता है। और उसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से ओनर्स का पता करके और वहाँ पर वो चलान उनके पास भेजा जाता है। और सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से अभी तक काफ़ी केसेज गुड़गांव पुलिस ने सॉर्ट आउट ऐसे किए हैं जो भीड़ भाड़ एरिया में जो स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे या एविटेजिंग की वारदात कर रहे थे या इसके अलावा जो ऐसी गाड़ियाँ जो मौके से एक्सीडेंट करके फरार हो गई तो वो सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से हमने काफ़ी गाड़ियाँ और इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनको पकड़ा है। तो सीसीटीवी कैमराज का काफ़ी गुड़गांव पुलिस को फायदा हो रहा है। और इसके अलावा जो पोस्टल चलानिंग ब्रांच है उसका जो मेन उद्देश्य है वो भी गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस द्वारा पूरा किया जाए।